योगी राज में शातिरों पर खाकी का कहर जारी है। शहर शहर अपराधी या तो पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं या फिर खुद सरेंडर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पुलिस ने ऑपरेशन क्राइम कंट्रोल शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात जालौन की, जहां पुलिस ने गौ तस्करों का एनकाउंटर किया है। ट्रक में गौवंश भरकर जा रहे ट्रक सवार लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस को आता देख ट्रक सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी पर एएसपी भी मौके पर पहुंच गए। दरअसल शनिवार देर रात माधोगढ़ थाना पुलिस बंगरा से भिंड जाने वाले रोड के पास सड़क के पास चेकिंग कर रही। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कई दुकानों को रौंदते हुए पलट गई है। कार पलटने से उस पर सवार तीन लोग उसमें काफी देर तक फंसे रहे। मामला यहां के रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग का है। मलेरिया थाना क्षेत्र के डिघिया चौराहे पर रायबरेली से सुल्तानपुर जा रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार ने पहले एक ढाबे को टक्कर मारी, उसके बाद जूता चप्पल की दुकान को तोड़ते हुए सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा कर वहीं पलट गई। तीन नवयुवक आए थे, परिजनों द्वारा ले आए गए थे, जिनका जो बताया गया कि इनका एक्सीडेंट के द्वारा इनको घायल हुए हैं और तकरीबन ये रात में 11 बजे करीब है जिनको इनका इलाज किया गया और एक लोगों को भर्ती किया गया। मऊ में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर साइकिल से अपने घर जा रहा था। कोपागंज थाने के लैरो दोनवार गांव के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आगरा के शाहगंज के दरगाह कमाल खां इलाके में रविवार की सुबह गैस का गीजर फटने से मकान की छत गिर गई। मलबे में पति पत्नी दब गए, 5 साल की उनकी बेटी भी चपेट में आ गई। चीख पुकार सुनकर बस्ती के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सुबह 6 बजे की है। दरगाह कमाल खां के रहने वाले महिला रसोई में गई थी, इसी दौरान वहां लगा गैस का गीजर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे मकान की छत ढह गई। तेज धमाके और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। उन्होंने गजाला और करीम को करीब 45 मिनट प्रयास के बाद बाहर निकाला। रसोई में गैस का चूल्हा जल रहा था, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। 6 साल की बेटी सफिया भी चपेट में आकर घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कासगंज में महिला थाना प्रभारी का एक महिला कांस्टेबल से मसाज कराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने महिला थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल पूरा मामला कासगंज जनपद के महिला थाना का है, जहां थाना प्रभारी के पद पर तैनात मनिता चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला थाना प्रभारी मनिता चौधरी अपनी अधीनस्थ महिला सिपाही से कंधे पर मसाज कराते हुए नजर आ रही हैं। महिला थाना प्रभारी कुर्सी पर बैठी हैं और महिला सिपाही उनकी मसाज कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला कासगंज एसपी सौरभ दीक्षित के संज्ञान में आया, जिसके बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से महिला थाना प्रभारी मनिता चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है। एडिशनल एसपी जितेंद्र दुबे ने बताया कि मामले की जांच क्षेत्राधिकारी कासगंज सदर अजीत चौहान को सौंप दी गई है। गोरखपुर से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 2 मासूमों समेत 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। ग्रामीण इस घटना को गृह कलेश बता रहे हैं। मृतक परिवार पर कर्ज होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे गाँव में कोहराम मच गया है। दरअसल मामला गोला थाना क्षेत्र के गांव देवकली का है, जहां 42 साल के इंद्र बहादुर मौर्य गांव के बाजार में ही सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में पत्नी सुशीला के अलावा 2 मासूम बच्चे, एक 10 साल की बेटी चांदनी और 8 साल का बेटा आर्यन था। गांव वालों के अनुसार जब सुबह उनके घर से धुआं उठता देखा गया तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने में दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि ये घटना गृह कलह की वजह से हुई है, क्योंकि अक्सर पति पत्नी में विवाद होता रहता था। इंद्र बहादुर मौर्य के भतीजे के अनुसार इंद्र बहादुर पर कुछ कर्ज भी था,
जिसको लेकर अक्सर वो परेशान रहते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था। घटना के बाद इंद्र बहादुर के घर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। गांव वालों में इस घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। संभल में अवैध क्लिनिक संचालित करने के आरोपी फर्जी डॉक्टर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी डॉक्टर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, उसकी 32 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालित करने वाले फर्जी चिकित्सकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रॉपर्टी कुर्क किए जाने और गैंगस्टर की कार्रवाई का यूपी में ये पहला मामला माना जा रहा है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। अब 32 लाख रुपए की उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल संभल जनपद में फर्जी चिकित्सक के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई का ये बड़ा मामला हयात नगर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर का है। बताया जा रहा है, राकेश नाम का शख्स फर्जी डॉक्टर मुजफ्फरपुर में अपने कई फर्जी चिकित्सक साथियों के साथ अल शिफा नाम से अवैध क्लिनिक चला रहा था। फर्जी डॉक्टर राकेश के अवैध क्लिनिक में मरीजों की जान से खिलवाड़ के कई मामले सामने आए थे। 8 महीने पहले इस अवैध अस्पताल में प्रसव के दौरान लापरवाही के चलते एक प्रसूता महिला की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद महिला के परिजनों और इलाके के लोगों ने अवैध अस्पताल में जमकर हंगामा काटते हुए फर्जी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। महिला की मौत की सूचना पर अवैध हॉस्पिटलों में जांच के लिए पहुंचे नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने मामले की जांच के बाद राकेश के खिलाफ हयात नगर थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने फर्जी चिकित्सक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब डीएम मनीष बंसल के आदेश पर पुलिस ने फर्जी चिकित्सक राकेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज करने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचकर इलाके में मुनादी करने के बाद फर्जी चिकित्सक राकेश की 32 लाख की संपत्ति कुर्क करने के बाद संपत्ति पर प्रशासन का बोर्ड लगा दिया है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर हुड़दंग मचाने के दो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ युवकों ने रोड पर फॉर्च्यूनर खड़ी करके शराब पी, उसके बाद गले में बंदूक डालकर डांस कर रहे हैं। वायरल वीडियो रात का है। वीडियो में 6 युवक रोड पर कार के पीछे खड़े हुए हैं। 2 युवकों के हाथ में लाइसेंसी बंदूक है। ये दोनों बंदूकधारी प्राइवेट सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। बाकी के 2 युवक वीडियो बना रहे हैं, जिसके बाद इन्हीं युवकों में से किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। इन्हीं युवकों ने एलिवेटेड रोड पर एक और वीडियो बनाया। इसमें फॉर्च्यूनर चलाने वाला शख्स बंदूक की नाल को शीशा खोलकर बाहर की तरफ दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बंदूक से किसी को धमकाने की कोशिश कर रहा हो। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। ADCP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में जांच कराई जा रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक महिला ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचा लिया। वो रेप करने आए युवक से भिड़ गई। आरोपी ने जबरन किस करने की कोशिश की तो महिला ने दांत से काटकर उसके होंठ अलग कर दिए। होंठ कटते ही आदमी के मुंह से खून बहने लगा। वो दर्द से तड़प कर चिल्लाने लगा। महिला ने भी चीख पुकार मचाई। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके होंठ के टुकड़ों को पैकेट में सील किया। घायल आरोपी को नजदीकी CHC ले गए, वहां उसका ट्रीटमेंट कराया गया। ये पूरा मामला दरोला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। महिला ने लावड़ गांव के मोहित सेनी पर रेप की कोशिश, छेड़खानी की FIR दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि शनिवार दोपहर वो अपने खेत में काम कर रही थी। सन्नाटा था, आसपास कोई नहीं था। तभी एक युवक ने अचानक पीछे से आकर उसे दबोच लिया। वो घबरा गई, समझ नहीं पाई कि उसे किसने पकड़ा है। महिला ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। तभी युवक उसे खेत में घसीटने लगा। पीड़िता ने बताया कि वो खुद को युवक से बचाने का पूरा प्रयास कर रही थी, तभी युवक जबरन किस करने लगा।
खुद को बचाने के लिए महिला ने युवक के होठों को अपने दांतों से जोर से काट लिया। गुस्से और घबराहट में महिला ने युवक के होठ को ऐसा काटा कि उसका होठ ही कटकर अलग हो गया। होठ अलग होते ही वो दर्द से तड़पने लगा। तभी महिला ने शोर मचा दिया। महाराजगंज में देश की सरहद की सुरक्षा कर चुके जाबाज अपने आने वाली पीढ़ियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। जी हां, युवाओं में देश प्रेम का जज्बा पैदा करने के साथ ही उन्हें सेना समेत पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भर्ती के लिए प्रेरित करने का जज्बा कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने उठाया है। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके में भूतपूर्व सैनिक ग्रामीण इलाकों के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं इन युवाओं की कड़ी मेहनत की बदौलत कई युवा सेना में भर्ती होकर अग्निवीर का हिस्सा बन चुके हैं। युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे पूर्व सैनिक केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि अपने सेना में बिताए गए कार्यकाल के हर यादों को साझा कर रहे हैं, जिससे युवाओं को हर कठिनाई से निपटने की नसीहत मिल सके। तो हम लोग यही चाहते हैं कि नौतनवा के आसपास के लोग ज्यादा से ज्यादा सेना में जाए, पैरामिलिट्री में जाए। उन्हीं को सुबह हम लोग 6 बजे इकट्ठा करते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के लोग नौतनवा के इनको सेना में भेजा जाए। अभी हम पूरे भूतपूर्व सैनिक मिलके जवानों को अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है और इनको साथ साथ हम स्पेशल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि जवान अग्निवीर में जाके भर्ती होने के बाद उनको दिक्कतें ना आए। ट्रेनिंग ले रहे युवाओं का कहना है कि भूतपूर्व सैनिक उन्हें सेना में जाने के लिए मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं। सुबह 6 बजे से वो लोग फिजिकल के साथ ही रिटेन ट्रेनिंग भी कराते हैं। पूर्व सैनिक अपने अनुभवों को भी साझा करते हैं। कड़ी मेहनत की बदौलत उन लोगों के बीच से कई युवक सेना में भर्ती भी हो चुके हैं। यहाँ पे मतलब मैं 4 महीने पहले आया था, उसके बाद से यहाँ पे गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा फ्री में ट्रेनिंग निःशुल्क करार जारी थी। तो हम और हमारे गांव के बच्चे और मतलब ऐसे शहर के कस्बे के बच्चे यहाँ पे आके हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं और सर लोग हम लोग को रिटर्न भी कराते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ कराते हैं मतलब, और फ्री मतलब निःशुल्क कराते हैं। गोरखपुर का BRD कॉलेज एक बार फिर से विवादों में है। अब यहाँ सर्जरी वार्ड में भर्ती मरीज के दिव्यांग तीमारदार को पीटने का एक मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स पर लगा है। बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि दवा के बारे में पूछने पर जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस की मौजूदगी में दिव्यांग की पिटाई कर दी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाद में किसी तरह से बचकर दिव्यांग थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल देवरिया की बुजुर्ग महिला को BRD मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के सर्जरी विभाग में भर्ती करवाया गया था। वहां उनके पेट का ऑपरेशन हुआ है। मरीज का भतीजा अजय अपनी पत्नी के साथ BRD मेडिकल कॉलेज आया था। अजय बाएं पैर से दिव्यांग है। दवा उपचार के बारे में अजय डॉक्टर से पूछताछ करने लगा। इसी बात से नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने गाली देकर उसे भगा दिया। तीमारदार ने गाली देने से मना किया तो जूनियर डॉक्टर्स ने धक्का दिया तो वो मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगा तो डॉक्टर्स ने मोबाइल फोन छीन लिया। जूनियर डॉक्टर्स ने 20 से 25 की संख्या में हॉस्टल से अपने दूसरे जूनियर्स को बुला लिया। उसके बाद तीमारदार को वार्ड से घसीटते हुए लात, जूतों और चप्पलों से मारा पीटा गया और सीढ़ी से बाहर घसीट दिया। बरेली में 21 साल की सबा ने धर्म परिवर्तन कर लिया। सबा मुस्लिम से हिंदू बन गई। मणिनाथ में अगस्त मुनि आश्रम के मंदिर में प्रेमी अंकुर देवल के साथ उसने सात फेरे लिए। हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। इस मौके पर BJP नेता साध्वी प्राची भी मौजूद थी। पंडित ने गंगाजल से दोनों का शुद्धिकरण किया। उसके बाद धर्म परिवर्तन करवा कर नाम बदला गया। सबा शिवा देवल बन गई। उसके बाद माँ की तरह साध्वी प्राची ने पहले गंगा जल से छींटे लगाए, उसके बाद मंत्रों के साथ हल्दी लगे चावल भी बिखेरे। शिवा देवल ने बताया कि वो प्रेमी अंकुर से 4 साल से प्यार करती है, अब हिंदू धर्म अपना कर शादी कर रही है। शिवा देवल ने कहा कि मुझे परिवार से जान का खतरा है, मेरे साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। अलीगंज थाने में 1 फरवरी को मेरे अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन मैं इंसाफ के लिए पुलिस थाने भी जाऊंगी। आपने क्या किया? मैंने उनसे शादी की। किस कैसे की है, धर्म पर किया है, क्या किया है?
मैंने हिंदू धर्म अपनाया है। अच्छा, नाम? सोनी देवल। सबा बी से? सोनी देवल रखा है, सबा बी से सोनी देवल। अच्छा, तो क्या घर वाले भी आप लोगों प्रेम कहानी के बीच में आ रहे थे, क्या था? घर वालों को पता था, मगर कई बार उन्हें पता लगा, हम लोग मिलते थे तो उन्हें पता लग जाता था कैसे भी। शादी करने वाले पंडित के शंखदार का कहना है कि दोनों बालिग हैं, दोनों ने शपथ पत्र देकर आर्य समाज मंदिर में शादी की है और शादी को रजिस्टर्ड भी करवाया है। शादी के बाद दोनों अपने घर को चले गए। इनका भी कहना था कि ये शादी करेंगी तो सिर्फ मुझसे ही करेंगी, और मैं भी इनसे ही शादी करना चाहता था। किसी तरह का ना इन पे कोई दबाव था ना मुझ पे। इन्होंने अपने घर पे कहा, मैंने भी इनके पिताजी से पिछली साल बात की थी, 1 फरवरी को इनके पिताजी से मैंने कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो इनके पिताजी ने मुझे सीधे धमकी दी थी कि अगर तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमारे यहाँ पिटोगे या आपने तुम्हारे यहाँ आकर हम मारें। मैंने कह दिया था कि जहाँ तुम्हारा जैसे मन करे वैसे कर लेना, मैं आ जाऊँगा जहाँ आप कहोगे।